हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज के बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीज का परिवर्तन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में द्विनिषेचन के बारे में पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद भ्रूण कोश में, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूण कोश में भ्रूण एवं भ्रूण पोष का परिवर्तन होता है। भ्रूण किससे बनता है, युग्मनज द्वारा, और भ्रूण पोष किससे द्वारा, किसके द्वारा बनता है, त्रिगुणित भ्रूण कोश कोशिका जो बनी थी 3N, उससे क्या बनता है, भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। इसके साथ ही अंडाशय बीजांड में भी अन्य परिवर्तन होते हैं। तो बीजांड के अंदर ही होता है क्या, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, समझ में आ गई बात। उसमें अब जो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है उसका क्या होता है, तो बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजांड बीज में विकसित होता है। अब बीजांड के जो अन्य भाग हैं उनका क्या होता है, बीजांड जो है वो पूरा का पूरा बीज में विकसित हो गया, अब अन्य भागों का क्या होता है। देखिए कि बीजांड में स्थित दोनों अध्यावरणों से बीजावरण बन जाते हैं। दोनों अध्यावरण बताए थे मैंने आपको, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण, तो दोनों से क्या बन गए, बीजावरण। बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीज चोल और अंत्य अध्यावरण से अंत्य बीज चोल बनता है। बीजांड व्रंत बीज व्रंत बनाता है। हाइलम बीजांड द्वार निभाग आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अन्य ये भाग हैं इन भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए ध्यान देने के बाद कि बीजांड काय जो था, मैंने आपको बताया था बीजांड काय भ्रूणपोष परिवर्तन के समय उपयोग में आ जाता है। ये जो बीजांड काय होता है वो भ्रूणपोष का जब परिवर्तन होता है उस समय उपयोग में आ जाता है। लेकिन कुछ पादपों में ऐसा होता है, जैसे काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों ओर पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे काली मिर्च होती है तो काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों ओर बीजांड काय जो होता है वो पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, यानी कि पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ पौधों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है, एक गुदेदार आवरण होता है, मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे एरिल कहते हैं। जैसे लीची में खाने योग्य भाग एरिल होता है। ठीक है, आगे देखिए कि यूफोरबियेसी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है। यूफोरबियेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे कैरंकल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरंकल। एग्जाम्पल है जैसे एरंडी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अधिकांश एक बीजपत्री वाले पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओपरकुलम कहते हैं। अधिकांश एक बीजपत्री, ज़्यादातर एक बीजपत्री पादपों वाले पौधे होते हैं, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओपरकुलम कहते हैं। अब आगे देखिए कि भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं, एक तो होता है अभ्रूणपोषी, जिसे हम इंग्लिश में गैर एल्बुमिनस कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा एल्बुमिनस, और दूसरा होता है भ्रूणपोषी, जिसे एल्बुमिनस कहते हैं। ये दो प्रकार हम बताते हैं आपको भ्रूणपोषी क्या होता है। ये इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन के दौरान, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है उस दौरान भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, कि इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है, युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन होता है, तो उस समय उसके दौरान भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है। जैसे अधिकांश द्विबीजपत्री पादप मटर चना आदि में। दूसरा भ्रूणपोषी एल्बुमिनस, इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन के समय भ्रूणपोष का पूरा उपयोग नहीं होता है। भ्रूणपोष जो है उसका पूरा उपयोग नहीं होता, वो पूरा काम में नहीं आता, उसका कुछ अंश बचा रह जाता है, और भ्रूणपोष बचा रह जाता है जैसे अधिकांश एक बीजपत्री पादप मक्का बाजरा आदि में। ठीक है, ये तो हो गया बीज का परिवर्तन। अब है आगे फल का परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया कि निषेचन के बाद, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में
जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है और अंडाशय जो होता है वो किस बदल जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। जो हार्मोन के प्रभाव के कारण अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है, हार्मोन का प्रभाव होता है, पादप हार्मोनों के प्रभाव के कारण जो अंडाशय भित्ति होती है वो फल भित्ति में बदल जाती है। दो प्रकार के होते हैं, आभासी फल, वास्तविक फल। आभासी फल या फलों के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी हुई आपके कि कुछ पौधों में फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय से तो होता ही है, अंडाशय से होगा तो वास्तविक फल होगा, ठीक है, पूरी तरह से अंडाशय से होगा तो वास्तविक फल होगा, लेकिन इसमें अंडाशय के साथ साथ पुष्पाशन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज से भी होता है, इन्हें आभासी फल कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, वॉलनट, इनके अंदर अंडाशय के अलावा पुष्पाशन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज से भी फलों का विकास होता है, इन्हें हम कहते हैं आभासी फल, फॉल्स फ्रूट कह देंगे, है ना। दूसरा है वास्तविक फल, जिसे हम कहेंगे ट्री फ्रूट। अंडाशय से निर्मित फल वास्तविक फल कहलाते हैं, सिंपल सी बात है। आगे देखिए एनिसेक फलन, कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के फल में बदल जाता है, ऐसे फल को एनिसेक फल और इस प्रक्रिया को एनिसेक फलन कहते हैं, जैसे केला, अंगूर। सिंपल सी बात है इसमें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंडाशय जो होता है, वैसे तो अंडाशय होता है वो निषेचन के द्वारा फल में परिवर्तित होता है, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के फल में बदल जाता है, ऐसे फल को एनिसेक फल और इस क्रिया को एनिसेक फलन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए पीढ़ी एकांतरण, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन का अल्टरनेशन क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण, कौन सी पीढ़ी कब आती है, तो देखिए आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं, बीजाणुद्भिद जो क्या होती है, द्विगुणित प्रावस्था होती है, और युग्मकोद्भिद अगुणित प्रावस्था होती है। जब बीजाणु बनता है तो बीजाणु द्विगुणित प्रावस्था होती है, और जब कायिक अवस्थाएं आ जानी, यानी बीजाणु का परिवर्तन होता है, आप कह सकते हो अंकुरण होता है, अंकुरण होकर के नया पादप विकसित होता है, विकसित होकर के उसके कई भागों का निर्माण होता है, उसके बाद में उसका जनन भाग उत्पन्न होता है, यानी कि पुष्प उत्पन्न होता है, जड़ तना पत्ती के बाद में पुष्प उत्पन्न होता है, फिर उसके युग्मकों का परिवर्तन होता है, युग्मकों का परिवर्तन होकर के उसका युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन होता है, इस प्रकार पीढ़ी एकांतरण होता है। देखिए द्विगुणित प्रावस्था, युग्मकोद्भिद, अगुणित प्रावस्था होती है, पहले द्विगुणित प्रावस्था फिर अगुणित प्रावस्था, एक दूसरे के एकांतर क्रम में आती है, एक के अंतर में, कैसे, एक बार बीजाणु प्रावस्था आ गई तो दूसरी बार कौन सी आ गई, युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, इस प्रकार। बीजाणुद्भिद अवस्था लंबी अवस्था है जो युग्मनद से विकसित होती है, समझ में आ गई बात, युग्मनद से विकसित होगी तो भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, बीज को हमने जमीन के अंदर लगाया, उसका अंकुरण हुआ, अंकुरण होकर के नया पादप विकसित होता है, देखिए इसमें, और कायिक अवस्था, तो उसके बाद में कायिक अवस्था आ गई, पादप विकसित हुआ तो उसके कायिक भागों का निर्माण हुआ, जैसे जड़, तना, पत्ती, कायिक उत्पन्न हो गई में बदल जाती है, इसके बाद इसमें जनन अवस्था आती, जनन अवस्था आती तो उसमें क्या लगता है, पुष्प विकसित होता है, जिसमें पौधों में पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है, और दोनों युग्मकों के परिवर्तन के बाद भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो कायिक अवस्था के बाद आती है लैंगिक अवस्था, ठीक है, लैंगिक अवस्था जिसमें दोनों में पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है, जिसमें पौधों में क्या होता है, पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है, और दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के परिवर्तन के बाद भ्रूण का निर्माण हो जाता है, इसमें युग्मकोद्भिद अवस्था, ठीक है, युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो कम समय की होती है, आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में इस प्रकार बीजाणुद्भिद वे युग्मकोद्भिद प्रावस्था एक के बाद एक आती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। आगे है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्रेरक एनिसेक जनन, वर्तिकागत पर वृद्धि हार्मोन यानी कि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन छिड़कने से भी एनिसेक फलन हो जाता है, जिसे प्रेरित एनिसेक फलन कहते हैं, समझ में आ गई बात। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोनों के प्रभाव द्वारा उन्हें एनिसेक फलन के लिए प्रेरित किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं प्रेरित एनिसेक फलन, वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन
कौन से हार्मोन ऑक्सिन जिब्रेलिन छिड़कने से भी एनिसेफलन हो जाता है, जिसे प्रेरित एनिसेफलन कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपको इस यूनिट का लास्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करवाएंगे।